चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं आरके टेक्निकल द टेक ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड के बारे में। बजाज का ईएमआई कार्ड आपका अनब्लॉक होगा या नहीं होगा, या फिर अनब्लॉक होगा तो कब होगा और किस कंडीशन में होगा, वो सारा हम डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमारा बजाज का ईएमआई कार्ड अनब्लॉक होगा या नहीं होगा, आप डिटेल्स में कवर कर दीजिए, तो उसी को लेके आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, बजाज का ईएमआई कार्ड अगर आपने बनवा रखा है और अगर आपका ईएमआई कार्ड अभी अनब्लॉक है तो मैं आपको बता देता हूं वो अनब्लॉक होगा तो किस कंडीशन में होगा। देखिए, बजाज का ईएमआई कार्ड अनब्लॉक तब हुआ है जब आपने मोराटोरियम अप्लाई किया हुआ है। और मोराटोरियम अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, मोराटोरियम अप्लाई करने के बाद वो कार्ड इसलिए ब्लॉक कर देते हैं कि वो सोचते हैं अगर बंदा यही ईएमआई पे करने की सिचुएशन में नहीं है तो हो सकता है मोराटोरियम के में जब उन्हें पैसे की प्रॉब्लम हो तो वो और भी हमारा कार्ड यूज कर ले और वो बाद में फिर उसको पे ना कर सके, तो उस कंडीशन में वो आपका कार्ड अनब्लॉक कर देते हैं। लेकिन बजाज फिनसर्व ने ये प्रोमिस किया है कि जैसे ही मोराटोरियम पॉलिसी खत्म होती है हम ऑटोमेटिक आपका कार्ड अनब्लॉक कर देंगे विद इन नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर। तो देखिए, ये बात बजाज प्रोमिस कर रहा है लेकिन मुझे इस बात पे बिलीव नहीं है कि बजाज ये अनब्लॉक कर देगा या नहीं कर देगा। अगर आपको बिलीव है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरा जहां तक उम्मीद है तो मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूं इतना, क्योंकि जो भी इनकी करंट सिचुएशन चल रही है इस सिचुएशन को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि ये कार्ड अनब्लॉक करेंगे सीधे सीधे या नहीं भी करेंगे। तो चलिए देखिए, मैंने अनब्लॉक करने के लिए कुछ मेल डाला था और मेरे पास उन मेल का रिजल्ट आया है, तो मैं आपको डिटेल्स में कवर करके बता देता हूं कि उस मेल में उन्होंने मुझे क्या बताया है। तो चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी स्क्रीन की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेकर आ चुका हूं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पे आने के बाद मैं आपको लेकर चलता हूं जहां पर बजाज फिनसर्व की तरफ से मेरे पास मेल आया हुआ है। तो चलिए, मैं अपने मेल ओपन कर लेता हूं। देखिए, ये मुझे बजाज फिनसर्व की तरफ से मेल आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये 10 जुलाई को मेरे पास मेल आया था। 10 जुलाई को जो मेल आया था उसमें इन्होंने क्या बताया, आप एक बार इसमें मेल आईडी भी देख लीजिए, bkr@bajajfinserv.in। ये ऑफिशियली कंपनी की तरफ से मेरे पास आया है। इसमें उन्होंने बताया है, डियर कस्टमर, जो भी नाम होगा वो नाम लिखा होगा, ग्रीटिंग एंड थैंक यू फॉर रिटिंग टू अस। इसमें उन्होंने लिखा है, विद रेफरेंस टू यू सर्विस रिक्वेस्ट रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ योर बजाज फिनसर्व नेटवर्क कार्ड, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट कार्ड इज टेम्पररी ब्लॉक्ड। तो इसमें उन्होंने ईएमआई नेटवर्क कार्ड के लास्ट 4 अंक भी दिए हैं। इसमें यह भी स्टेटस दिखाया, अगर हेल्थ ईएमआई कार्ड आपका एक्टिवेट होगा तो उसका नंबर दिया होगा, मेरे पास नहीं है तो नहीं लिखा है। अब इसमें उन्होंने दिया है ब्लॉक रीजन। ब्लॉक रीजन का इन्होंने दिया है, योर ईएमआई कार्ड इज ब्लॉक्ड सिंस यू हैव ऑप्ट फॉर मोराटोरियम फॉर योर बीएफएल लोन्स। उसके बाद इन्होंने लिखा है, व्हाट एक्शन टू टेकन क्लिक हेयर। इन्होंने ये भी बोला है कि आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो भी आपने मोराटोरियम लिया था उसका अमाउंट आप पे कर दीजिए और पे करने के बाद हम नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर आपका कार्ड अनलॉक कर देंगे। इसके बाद में ये लिख रहा है, पेमेंट के बाद में टू मेक ए पेमेंट एंड गेट कार्ड अनब्लॉक्ड व्हेन विद वी अनलॉक्ड योर कार्ड विल बी अनलॉक्ड अपॉन क्लियरिंग योर आउटस्टैंडिंग ईएमआई। इनके कहने का मतलब ये, जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग ईएमआई है उनको आप पे कर दीजिए और हम आपका कार्ड अनलॉक कर देंगे। इसके बाद ये बोल रहे हैं, एज पर और क्रेडिट पॉलिसी बीएफएल टेक अप इंटू अकाउंट वेरियस फैक्टर्स सच ए क्रेडिट रिपोर्ट सीरियस रजिस्टर्ड विद सिविल ब्यूरो। इनके कहने का मतलब ये है कि इसके बाद भी हम आपका सिविल फायर करेंगे, अगर आपका सिविल स्कोर ठीक होता है उस कंडीशन में हम आपका कार्ड अनलॉक करेंगे। कार्ड अनलॉक एक बार को कर भी देंगे लेकिन जो आपकी लिमिट होगी वो हम अपने हिसाब से देंगे। अगर आप लिमिट के लिए एलिजिबल होंगे तभी आपको लिमिट मिलेगी, अदरवाइज आप भूल जाइएगा कि आपका कार्ड अनलॉक भी होगा। तो इन्होंने अपनी सिविल की www.civil.com वेबसाइट भी दी है, यहाँ पर जाके आप अपना सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद ये लिख रहे हैं, एनी डॉक्यूमेंट प्रूफ फॉर अनब्लॉकिंग कंसीडरेशन शुड बी सेंट अस ओनली इन ए PDF फॉर्मेट। इनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप हमें भेज दीजिएगा एज ए ID प्रूफ, उसके थ्रू ही हम आपका कार्ड अनलॉक करेंगे। जो डॉक्यूमेंट आप हमें भेजेंगे वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद ये लिख रहे हैं, इट इज़ अ
कंटेंट एडवाइजर टू इंश्योर यू हैव आवर बेस्ट अटेंशन एंड ऑल टाइम्स। उसके बाद ये आपको बेस्ट विशेष बोलते हैं। तो इसके बाद में ये सारा इन्होंने डिटेल्स में बता दिया है, जो कि मैंने आपको लाइव करके दिखा दिया है। लेकिन इन्होंने ये भी साफ साफ बता दिया है कि अगर आपका सिबिल सही रहता है, सिबिल स्कोर आपका सही रहता है, उसी कंडीशन में आपका कार्ड अनलॉक होगा, अदरवाइज आपका कार्ड अनलॉक नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, पेमेंट भी आपको पे करना है, तभी ये प्रोसेस शुरू होगा। तो ये यही था आपको पूरा प्रोसेस दिखाना। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी होम स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो भी मेल आया हुआ था बजाज फिनसर्व की तरफ से, मैंने आपको मेल दिखा दिया है और मेल के बारे में पूरी तरह से बता भी दिया है। देखिए, कुछ कंडीशन तो बजाज की सही भी है, कुछ गलत है। देखिए, बजाज की जो एक कंडीशन सही है, जो उसने लिखा हुआ है, जो वो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो कंडीशन ये है। क्योंकि देखिए, कोई भी एनबीएफसी कंपनी हुई, किसी के घर पैसा नहीं बन रहा है, पीछे से ही फंडिंग होती है, तभी कंपनी फंडिंग करती है। तो देखिए, बजाज का एक कहना ये है कि जब हमें पीछे से फंडिंग नहीं मिल रही है तो हम आगे फंडिंग नहीं कर सकते। और ये कंफर्म नहीं है कि पीछे से कब तक फंडिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि लॉकडाउन में सभी के यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ चाहे वो कंपनी हुई, चाहे वो ऑफिस हुआ, चाहे वो बैंक हुई, हर जगह पैसे की प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी कंडीशन में ये प्रोमिस कर रहे हैं कि नेक्स्ट 3 महीने के अंदर हम आपका कार्ड एक्टिवेट कर देंगे, मोराटोरियम पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद। यानी कि मोराटोरियम पॉलिसी जब भी खत्म होती है, उससे नेक्स्ट 3 महीने के अंदर हम आपका कार्ड ऑटोमेटिक अनब्लॉक कर देंगे। लेकिन मुझे ये कहीं भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि हमें पीछे से फंडिंग नहीं मिल रही है, जब इन्हें ये पता नहीं है कि पीछे से फंडिंग नहीं हो रही है, हमारा लेंडर हमें फंडिंग नहीं कर रहा है, तो इन्हें ये कैसा कंफर्म हो गया कि हम नेक्स्ट 3 महीने में कार्ड अनलॉक कर देंगे, जब इन्हें ये पता नहीं है कि हमारा लेंडर कब हमें फंडिंग देगा। तो इन्हें ये भी पता नहीं होना चाहिए कि हम कार्ड क्यों अनब्लॉक करेंगे। जब कंपनी ने फंडिंग नहीं करेगी तो ये कार्ड अनब्लॉक कहां से कर देंगे? कार्ड अनब्लॉक करने के बाद में कार्ड में लिमिट हम यूज करेंगे, वो लिमिट ये कहां से देंगे जब इनका लेंडर ही फंडिंग इनको नहीं करेगा? तो देखिए, आप अपने रिस्क पर जो भी कीजिए वो कीजिए। मैंने आपको मेल दिखा दिया है, फिलहाल के लिए 3 महीने मोराटोरियम पॉलिसी एक्सपायर होने के बाद भी आपको वेट करना पड़ेगा, आपका कार्ड इतनी आसानी से अनलॉक होने वाला नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल तो सब्सक्राइब करिएगा ही, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इन्फॉर्मेटिव नॉलेज सभी को मिल सके और कोई भी इस जानकारी से वंचित ना रहे। साथ ही साथ आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपको डाउट है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा जरूर से जरूर कि किस किस लोगों का कार्ड लॉक है, ताकि मैं उसके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन निकाल सकूं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।